बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स रहे जो रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन वो लोग अपने करियर को ज्यादा लंबा नहीं खींच पाए और फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए और फाइनली धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब ही हो गए। कुमार गौरव एक ऐसे ही एक्टर थे जो अपनी पहली ही फिल्म लव स्टोरी से रातों रात लाखों लोगों के दिल की धड़कन बन गए थे। अपनी पहली ही फिल्म से वो बॉलीवुड के मोस्ट चार्मिंग बॉय बन चुके थे, लेकिन ये सिलसिला उनकी पहली फिल्म तक ही रहा और इसके बाद उनकी लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक ऐसे ही एक्टर थे राहुल रॉय, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म आशिकी से वो पॉपुलैरिटी कमाई जो अच्छे अच्छे एक्टर्स के नसीब में नहीं होती, लेकिन इसके बाद उनकी ज्यादातर फिल्मों में उनकी मेहनत और किस्मत रंग नहीं ला पाई। नतीजा ये रहा कि उनका फिल्मी करियर भी जल्दी ही खत्म हो गया। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसके लीड एक्टर और एक्ट्रेस की ये पहली फिल्म थी और इन नए चेहरों के बावजूद इस फिल्म ने रिलीज होते ही जाने कितने रिकॉर्ड बना डाले। ये एक ऐसी फिल्म थी जो ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस ने आगे भी लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी, बल्कि इस फिल्म के मेल एक्टर तो आज भी बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। उस मेल एक्टर का नाम है ऋतिक रोशन और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। तो आज हम जानेंगे कुछ अननोन फैक्ट्स इस फिल्म कहो ना प्यार है के बारे में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक रोशन और अमीशा पटेल इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे। हालांकि इस फिल्म का डायरेक्शन ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने ही किया था, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म के लिए वो शाहरुख खान और करीना कपूर को लेना चाहते थे। शाहरुख खान ने तो शुरू में ही फिल्म करने से मना कर दिया था, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस करीना कपूर ने इसके लिए हामी भरी थी। लेकिन शूटिंग के 3-4 दिन के अंदर ही करीना कपूर ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। बताया जाता है कि करीना कपूर के इस फिल्म को छोड़ने का रीजन थी उनकी मां बबीता, जो कि नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की बॉलीवुड में एंट्री एक नए एक्टर के साथ हो। इसके साथ ही उन्हें अपनी बेटी के बिकनी पहनने पर भी एतराज था। करीना कपूर के इस फिल्म को छोड़ने के बाद फाइनली ये फिल्म मिली अमीशा पटेल को। एक खास बात और थी, फिल्म में ऋतिक रोशन ने राज का किरदार निभाया था और फिल्म में राज की मां का किरदार निभाया था आशा पटेल ने, जो कि रियल में अमीशा पटेल की मां है। हाल ही में रिलीज फिल्म बाहुबली एक इतनी बड़ी हिट फिल्म थी कि इस फिल्म के लीड एक्टर प्रभास रातों रात पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गए और इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उनके पास करीब 6000 लड़कियों के शादी के प्रपोजल आए, जो कि न्यूज की सुर्खियां बन गई थी। कहो ना प्यार है फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक रोशन का क्रेज इससे भी कहीं ज्यादा था। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ऋतिक रोशन के पास करीब 30,000 शादी के प्रपोजल्स आए थे। ये था क्रेज ऋतिक रोशन और फिल्म कहो ना प्यार है का। इस फिल्म के लिए एक अच्छे फिजिक वाले एक्टर की डिमांड थी, यानी कि एकदम हीरो टाइप मटेरियल। शक्ल सूरत से तो ऋतिक रोशन चार्मिंग थे ही, लेकिन इस फिल्म को करने से पहले उन्हें अपनी बॉडी भी बनानी थी और बॉडी बनाने में उनकी हेल्प की थी भाईजान ने, यानी कि सलमान खान ने। इस फिल्म के शूट से पहले ऋतिक रोशन को बॉडी बनाने के लिए सलमान खान ने अपना काफी वक्त और कई सारे टिप्स भी दिए। ऋतिक रोशन के एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, ये बात तो शायद सब जानते होंगे। फिल्म कहो ना प्यार है में उन्होंने 2 किरदार निभाए थे, एक रोहित का और एक राज का। राज का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपनी 6 उंगलियों वाले हाथ को छुपाना पड़ता था, जिसके लिए वो अक्सर ग्लव्स पहनते थे। और राज वाले किरदार को उन्होंने एज एन लेफ्ट हैंडर निभाया था, ताकि किसी का ध्यान उनके राइट हैंड पर ना जाए। कहो ना प्यार है फिल्म रिलीज हुई थी सन 2000 में और ये वो साल था जिसमें और भी कुछ बड़े बड़े स्टार कास्ट वाली बड़ी बजट वाली फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की फिल्म थी हर दिल जो प्यार करेगा। इसके अलावा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म मोहब्बतें भी इसी साल रिलीज हुई थी। ये दोनों फिल्में भी हिट रही थी, लेकिन फ्रेशर्स के साथ बनी फिल्म कहो ना प्यार है ने कमाई के मामले में इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म के बाद फिल्म की एक्ट्रेस अमीशा पटेल का करियर भी निकल पड़ा था।
क्यूट सी दिखने वाली अमीषा पटेल ने इस फिल्म के बाद सनी देओल के साथ फिल्म गदर किया, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। लेकिन शायद आपको पता ना हो कि फिल्म कहो ना प्यार है में अमीषा पटेल ने अपनी आवाज खुद डब नहीं की थी, उनकी आवाज की डबिंग की थी वॉइस ओवर आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी ने। इंटरेस्टिंग ना। मुझे पता है कि अब आप दोबारा जाके फिल्म में अमीषा पटेल की वॉइस को चेक करोगे। करो। फिल्म कहो ना प्यार है के ब्लॉकबस्टर होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन और उनके भाई राजेश रोशन, जो कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, इन दोनों को ढेर सारे कॉल्स आने शुरू हो गए थे, अननोन कॉल्स। ये कॉल्स देश दुनिया के अलग अलग कोनों से आने लगे थे, जिसकी वजह से दोनों भाई काफी परेशान हो गए थे। इन कॉल्स के आने का रीजन ये था कि फिल्म कहो ना प्यार है के एक सीन में राकेश रोशन का नंबर फ्लैश होता है। ये राकेश रोशन का रियल नंबर था जो कि वो यूज करते थे, और इन कॉल से परेशान होकर आखिरकार उन्होंने उस नंबर को बंद ही करवा दिया। ऋतिक रोशन ने एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट भी कई सारी फिल्मों में काम किया था, जैसे कि 1980 में रिलीज फिल्म आशा, जिसके लीड एक्टर थे जितेंद्र। 1980 की ही एक और फिल्म आपके दीवाने, 1981 में रिलीज फिल्म आसपास, और 1986 में रिलीज फिल्म भगवान दादा, जिसके लीड एक्टर थे रजनीकांत, और इस फिल्म में उनका एक अच्छा खासा बड़ा रोल था। इसके अलावा फिल्म कहो ना प्यार है करने से पहले उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ चार फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। ये फिल्में थी 1987 में रिलीज जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म खुदगर्ज। 1993 में रिलीज जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान की फिल्म किंग अंकल। शाहरुख खान और सलमान खान की 1995 में रिलीज फिल्म करण अर्जुन। एंड अगेन शाहरुख खान की 1997 में रिलीज फिल्म कोयला। इन सारी फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने अपनी पहली डेब्यू फिल्म की कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है फिल्म का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, और इसका रीजन है इस फिल्म को मिले अवार्ड्स। इस फिल्म को टोटल 102 अवार्ड्स मिले थे, जो आज तक किसी बॉलीवुड फिल्म को नहीं मिले हैं। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर और बेस्ट डेब्यू एक्टर दोनों अवार्ड्स एक साथ मिले, ऐसा भी किसी एक्टर के साथ आज तक नहीं हुआ है। अमीषा पटेल ने अपने होम प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था देसी मैजिक। इस फिल्म से उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने डूबते करियर को बचा पाएंगी। फिल्म कहो ना प्यार है में उनका नाम था सोनिया सक्सेना, और सेम वही नाम यानी सोनिया सक्सेना ही उन्होंने इस फिल्म में भी अपना नाम रखा था। इसके अलावा भी इस फिल्म के एक दो सीन्स में फिल्म कहो ना प्यार है की कामयाबी को भुनाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि अमीषा पटेल से एक लड़का पूछता है कि कहो ना प्यार है, तो अमीषा पटेल बदले में कहती है क्यों तू ऋतिक रोशन है क्या। ऋतिक रोशन का वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और उनका उनकी वाइफ के साथ फाइनली डिवोर्स हो गया था, लेकिन उनकी लव स्टोरी भी बहुत यूनिक थी। अपनी रियल लव स्टोरी के कुछ लम्हों को उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है में भी यूज किया था। फिल्म में आपको एक सीन याद होगा जहां पर ऋतिक रोशन ट्रैफिक सिग्नल में साइकिल पर खड़ा होता है, और बगल के कार में अमीषा पटेल बैठी होती है। यहां पहली बार ऋतिक रोशन की मुलाकात अमीषा पटेल से हुई थी। उनकी रियल की लव स्टोरी में भी पहली बार जब वो सुजैन से मिले थे तो एकदम इसी तरीके से मिले थे। फिल्म में राज वाला किरदार स्विट्जरलैंड में रहता है, और स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को बेहतरीन तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भारत से स्विट्जरलैंड जाने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन द्वारा निभाए गए दोनों किरदार यानी रोहित और राज, इन दोनों को किस तरह से फिल्म में डिफरेंट तरीके से दिखाया जाए, इसके लिए डायरेक्टर राकेश रोशन को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे में ऋतिक रोशन ने अपने पिता राकेश रोशन को सजेस्ट किया कि राज वाले किरदार को वो ग्लासेस पहना दे। हालांकि ऋतिक रोशन के इस सजेशन से राकेश रोशन कुछ ज्यादा खुश नहीं थे,
उन्हें लग रहा था कि स्विट्जरलैंड में रहने वाला एक मॉडर्न बॉय अगर उसे ग्लासेस पहना दिया जाए तो वो कूल डूड कैसे लगेगा। बट फाइनली ये काम कर गया। पूरी फिल्म के दौरान कोको कोला को काफी प्रमोट किया गया। फिल्म के कई सारे सीन्स में आप एक्टर्स को कोको कोला पीते हुए देख सकते हैं। फिल्म जब ब्लॉकबस्टर हो गई तो इसके बाद कोको कोला कंपनी ने ऋतिक रोशन को कोको कोला का कैंपेन मॉडल बना दिया। ऋतिक रोशन आगे कई सालों तक कोको कोला से एसोसिएट रहे थे। फिल्म कहो ना प्यार है के सुपरहिट होने का श्रेय डायरेक्टर एक्टर्स के अलावा म्यूजिक डायरेक्टर को भी जाता है। फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे थे जिन्हें उदित नारायण, बाबुल सुप्रियो और लक्की अली जैसे सिंगर्स ने गाया था। लेकिन इस फिल्म में एज एन सिंगर सबसे ज्यादा फायदा मिला लक्की अली को। इस फिल्म में लक्की अली ने दो गाने गाए थे, एक पल का जीना और क्यों चलती है पवन। ये दोनों सॉन्ग सुपर हिट रहे थे और इन दोनों गानों के हिट होने के बाद लकी अली भी सफल सिंगर्स की श्रेणी में आ गए थे। फिल्म स्टार महमूद के बेटे लकी अली ने इस फिल्म के बाद भी और कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों में गाने गाए। इसके अलावा उन्होंने एज एन एक्टर सुर और कांटे जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय भी किया। तो दोस्तों ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स इस ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है के बारे में। इनमें से कौन से अननोन फैक्ट्स आपको पता नहीं थे ये हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए